parents, how are you? Today I'm going to start past perfect continuous tense. आज मैं आपको past perfect continuous tense करवा रही हूँ. So let's start. Past perfect continuous tense. Past means जो बीत चुका है. Perfect means perfectly. Continuous means लगातार. Tense means का. यानी past में कोई ऐसा action जो परफेक्टली चल रहा था उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. तो सबसे पहले चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे. तो फर्स्टली हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं प्लस हैडिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर एंड प्लस टाइम. ठीक है. और इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम रहा था रही थी इस तरह के जो है शब्द यूज करते हैं. तो एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर रही हूँ. देखो ही हैड बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर टू आवर्स. ठीक है. इट मीन्स वह दो घंटे से फुटबॉल खेल रहा था. यानी वो कंटिन्यू काम कर रहा था कितने टाइम से? दो घंटे. ठीक है. तो यहाँ देखो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट का यूज किया है देन हैड बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन फोर एंड देन टाइम. ठीक है. फोर और सिंस में से आप एक का ही यूज करेंगे. ठीक है. सिंस का यूज कब होगा? जब एग्जैक्ट टाइम गिवन होगा. और फोर का यूज कब होगा? जब एग्जैक्ट टाइम गिवन नहीं होगा. तो इसमें थ्री टाइप्स के सेंटेंसेस आते हैं. देखो फर्स्ट आता है अफर्मेटिव सेंटेंस सेकंड नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव. तो चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस पे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये मैंने एक एग्जाम्पल अभी आपको बताया. ठीक है. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है. तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ. जैसे शी हैड बीन washing the clothes since 2 o'clock. It means मैं 2 बजे से कपड़े धो रही थी. कंटिन्यू धो रही थी. ठीक है. तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंसेज मीन्स नॉट वाले सेंटेंस. ठीक है. तो नॉट वाले सेंटेंस में हम यहाँ नॉट का ऐड करते हैं. ठीक है. Had not been. तो एक एग्जाम्पल इसका भी बता रही हूँ मैं आपको. जैसे यू हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 hour. ठीक है. तुम लेटर नहीं लिख रहे थे 1 घंटे. यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है तो इट मीन्स नहीं लिख रहे थे. तो ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है. ठीक है. लास्ट आती है इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं. तो उसमें हम हैड का यूज आगे करें. ठीक है. इसका जो एक एग्जांपल बता रही हूँ जैसे हैड ही. ठीक है. हैड ही बीन फ्लाइंग द काइट्स सिंस 3 o'clock. और पीछे लगेगा क्वेश्चन मार्क. ठीक है. तो वह 3 बजे से पतंगे. क्या वह 3 बजे से पतंगे उड़ा रहा था? ठीक है. यहाँ पे हैड हमने सबसे पहले यूज किया है देन सब्जेक्ट देन बीन देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट देन सीन्स एंड देन टाइम. और पीछे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं सेंटेंसेस में जो कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं. इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या वह 3 बजे से पतंगे उड़ा रहा था. ठीक है. तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल. तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था जो मैंने क्लियर किया है. आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से. सो थैंक यू.